गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ हिस्ट्री. ओके, इन हिस्ट्री एज यू नो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th यू हैव टू रीड विच ऑफ द हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री. ओके, एंड मेडिएवल दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड अर्ली एंड लेट. तो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द अर्ली मेडिएवल. ओके, द सेकेंड चैप्टर दैट्स नेम इज द किंग्स एंड किंगडम. द किंग्स एंड किंगडम द अर्ली मेडिएवल. ओके, ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी. ओके, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड इन इंडिया सो मेनी डायनेस्टीज. ओके, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया एंड डेकन, लाइक दैट. ओके, तो ये किंग्स एंड किंगडम्स जो छोटे छोटे किंगडम्स में बटे हुए थे, दे वर नॉट अ लार्ज. ओके, वो डायनेस्टीज और जो किंगडम थे वो छोटे थे. ईस्टर्न इंडिया में कुछ, वेस्टर्न इंडिया में कुछ, डेकन में कुछ. ओके, तो ये आज हम यही देखेंगे कि ईस्टर्न इंडिया में कौन सा डायनेस्टीज था, कौन सा किंगडम था, वेस्टर्न इंडिया में कौन सा किंगडम था, डेकन में कौन सा किंगडम था. ओके, बट पीरियड इज द अर्ली मेडिएवल, दैट इज द 7th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी इन इंडिया. ओके, लेट्स स्टार्ट. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डायनेस्टी ऑफ द अर्ली मेडिएवल पीरियड वर दैट ऑफ द पाल्स, गुजर प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट एंड चोला. ओके, पाल, गुजर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड चोला. इन अर्ली मेडिएवल इंडिया द पाल वर एन इम्पोर्टेंट किंगडम इन ईस्टर्न इंडिया. माइंड दैट, इन ईस्टर्न इंडिया विच ऑफ द किंगडम? पाल. ओके, पाल. एंड हु वॉज द फाउंडर ऑफ दैट किंगडम? द गोपाल. ओके, गोपाल वॉज द फाउंडर. ओके, गोपाल वॉज द फाउंडर. इन वेस्टर्न इंडिया द गुजर प्रतिहार. इन वेस्टर्न इंडिया गुजर प्रतिहार. एंड हु वॉज द फाउंडर? हरिश्चंद्र. हरिश्चंद्र वॉज इट्स फाउंडर. ओके, विच ऑफ द किंगडम? गुजर प्रतिहार. ओके, गुजर प्रतिहार. लाइक दैट द राष्ट्रकूट. Like that, there was another kingdom, the Rashtrakoot, that was in Deccan. That was in Deccan region. Okay, and Dandi Durga was its founder. Dandi Durga. So such and such kings and kingdoms, which we are going to study that someone is in Eastern, someone is Western, someone is Deccan. Okay. तो लाइक दैट इन अर्ली मेडिएवल. ओके, द पीरियड ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी. ओके, तो यही पिक्चर आज हम देखेंगे कि जो अर्ली मेडिएवल में जो किंग्स और किंगडम्स थे वो कैसा था, है ना, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, पीपल कैसे थे, है ना, लाइक दैट. ओके, द 7th सेंचुरी इन इंडिया saw द rise ऑफ various regional powers. ओके, 7th सेंचुरी. हाँ, शुरू में कहा हमने अर्ली मेडिएवल की चर्चा इसमें करने जा रहे हैं, अर्ली मेडिएवल. ओके, 7th सेंचुरी इन इंडिया saw द rise ऑफ various regional powers. द राष्ट्रकूट वॉर subordinate टू द चालुक्याज. ओके, माइंड दैट, राष्ट्रकूट कौन थे? वे सबॉर्डिनेट थे किसके? चालुक्याज के. हम देखेंगे आगे कि कैसे वो ओवर थ्रो करते हैं, है ना, चालुक्या को, और अपने खुद वे राजा बन बैठते हैं. सबॉर्डिनेट थे, ओके, बट अल्टीमेटली राजा बने. द राष्ट्रकूट वर सबॉर्डिनेट टू द चालुक्याज. हाउएवर इन द मिड 18th सेंचुरी अ राष्ट्रकूट चीफ नेम दांती दुर्गा. ओके, माइंड दैट एंड लर्न द नेम दांती दुर्गा. ओके, ओवर थ्रीव द चालुक्या ओवर लॉर्ड एंड एस्टेब्लिश हिमसेल्फ एज द किंग ऑफ द डेकन. ओके, और अपने राजा बन बैठा. मेन बिलोंगिंग टू अदर
professions also began establish kingdom from themselves. For example, Maurya Shraman from Kadamba dynasty and Harishchand from Gujar Pratihar. Okay, Harishchand Gujar Pratihar dynasty were Brahmins who established kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. So these kingdoms were not as vast as the empires. Okay, small kingdoms थे. शुरू में बताया कि ईस्टर्न में कुछ है, वेस्टर्न में दूसरा किंगडम है, डेकन में दूसरा किंगडम है, लाइक दैट है ना. वे सम ऑफ द डायनेस्टी एंड सम ऑफ द किंगडम्स विच एमर्ज्ड और फ्लरिश्ड है ना इन डिफरेंट रीजन्स ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी इन इंडिया. ओके दैट्स क्लियर. Created by the Mauryas or the Guptas and they were involved in constant warfare. Okay, so these kingdoms, okay, the such and such small kingdoms which are either in eastern and western or the Deccan, okay, they were not as vast as empires. Okay, they all were the kingdoms, mind that. Were not the large empires, okay, small kingdoms like that. Mauryas or the Guptas and they na Maurya aur Gupta ke jaisa ve vast empire ye nahi tha. Jis tarah se Maurya aur Gupta period mein empire hua karta tha India mein, large empire, the vast empire na, in early medieval mein ye jo kingdom hum pad rahe hain ya padhne ja rahe hain ye all were the small kingdoms. Okay, they were not as large as the Gupta empire or the Maurya empire, mind that. Some of the important dynasties of this period were the Rajputs. Okay, Rajputs, Gujar Pratihar, Pals, Rajput and the Cholas. Now, इसमें तीन चार kingdoms का विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे. They were the Rajputs, Gujar Pratihar, Pals, Rajput and lastly Chola. Okay, lastly Cholas. The Rajputs. Let's start with Rajputs. The word Rajput comes from the Sanskrit word Rajputra, which means son of a king. Rajputra, son of king. The term is applied to a group of warriors who claim to belong to the Kshatriya caste. Clans claiming to the Rajputs were spread out over north and northeastern India. Yani north India, okay, north India, northwestern India, Rajput or Rajputana, okay. Like that, the Western India, Eastern India and the Deccan. Okay, the Rajputs claimed to the either Suryavansi, claimed either Suryavansi, which meant the descendants of the sun, or Chandravansi, Suryavansi or Chandravansi, descent of sun or the descent of moon, descent of moon. Okay. Some clans also claim that they emerged from a sacred fire. Sacred fire, they belong to the fire family, Agni Kula. Okay, Agni Kula. Many believe that the Rajputs were the descendants of various tribes from Central Asia, such as the Saks, Kushan, Huns, and Gujars. Okay, like that. So there is a two approaches to understand the origin of Rajputs. Okay, major changes took place in the Indian subcontinent after the death of Harshvardhan. Okay, Harshvardhan, the 6th century. Okay, so after the death of Harshvardhan, there was a change, on a major change, a major change that took place in India. Okay, and the decline of Magath kingdom, yani Magath ka decline hota hai aur Harshvardhan ki death hoti hai. After that there was a great change, a major change in our country
India. What that change? That was the Gurjar Pratihar Rajput clan rose to prominence in North India. Okay, Rajput clan. Clans, you know, Gotra, Rajput, Gotra. Okay, Rajput clans. So like that. And the next, the Pals. The Pals. ये क्या है Pals? The Pals were an important and powerful dynasty in Eastern India. जो Pal dynasty है, Pal जो kingdom है, कहाँ है? Eastern India में ये था. Okay. The Pal kingdom was established by Gopal. Okay. Who was the founder of the Pal dynasty? Gopal. Mind that. Who is believed to have been elected by the people. Elected by the people. See, that means he was not the hereditary ruler. Okay, hereditary ruler. Raja ke beta raja. Not like that. No, it is believed that he was elected by the people. Who? Gopal. Okay, and the Pal dynasty, which exists in which India? Eastern India. Okay, believed his son Dharmpal. No, and Gopal, he was the king, and his son name was the Dharmpal, conquered Kanauj for a period of time. Conquered Kanauj. हम आगे देखेंगे सब Kanauj पे control करने के लिए कैसे हावी हुआ करते थे. Okay. The Pal kingdom spread across the entire regions of present day Bihar and Bengal. Okay. आज का जो बिहार है बंगाल है that was the spread. Okay, the Pal kingdom spread across the entire region of present day Bihar and Bengal. Mind that. And अभी इनका contribution देखिए and must learn that. Okay, always keep in mind what the famous Vikramshila University was established by Dharmpal. Okay, who founded the Vikramshila University? Dharmpal. And who was Dharmpal? Dharmpal was the son of Gopal, and Gopal was the founder of Pal dynasty. Okay, and Pal dynasty and Pal kingdom that was existed in which of the region of India? Eastern India. Okay, and that is believed that king was elected by the people. Okay, that's clear. So such and such information about the Pal dynasty that existed in the Eastern India, and the main thing, the main point which is needed to learn, that is the Vikramshila University. Okay, at that time the Vikramshila University was established by Dharmpal. Okay, let's the next dynasty, that was the Gujar Pratihar. Gujar Pratihar, the Gujar Pratihar ruled over Western India. In Eastern India, Pals. In Western India, Gujar Pratihar. Gujar Pratihar ruled over Western India and parts of the Upper Gangetic Valley. The founder of this empire was Harishchandra. Who was the founder of this empire? Which of the empire? The Gujar Pratihar. Harishchandra. Harishchandra was founder of this dynasty or this kingdom that is known as the Gujar Pratihar. Okay, the Gujar Pratihars gained prominence during the rule of Nagabhat I, who conquered Malwa and Baruch. Okay, Mihir Bhoj, mind that Mihir Bhoj, the period is 836 to 890, was the most famous of the Gujar Pratihar ruler. Mihir Bhoj. Okay, Mihir Bhoj, who was the most famous ruler of the Gujar Pratihar. Okay, he captured Kanauj and made it his capital. Usne Kanauj ko capture kiya aur use apna कैपिटल घोषित किया. कैपिटल अपना बनाया, राजधानी उसने अपना वहीं बनाया. द गुजर प्रतिहार डिक्लाइंड इन द 10th सेंचुरी विद द इन्वेशन ऑफ महमूद ऑफ गजनी. ओके, 10th सेंचुरी में जब महमूद ऑफ गजनी धावा बोलता है इंडिया पे ना, आफ्टर दैट
that dynasty declined. Okay, the next dynasty, the next kingdom, that is the Rashtrakut. That is the Rashtrakut. दो हमने चर्चा किया, पाल इन ईस्टर्न, गुजर प्रतिहार इन वेस्टर्न एंड इन द बिगिनिंग द राजपूत. ओके, राजपूत डायनेस्टी एंड द नॉर्थ इंडिया एंड द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. ओके, द नेक्स्ट डायनेस्टी दैट इज द राष्ट्रकूट. ओके, द राष्ट्रकूट वर अ पावरफुल डायनेस्टी ऑफ द डेकन रीजन. ओके, ये डेकन 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 यू नो राष्ट्रकूट डायनेस्टी वॉज अ वेरी पावरफुल डायनेस्टी ऑफ द डेकन रीजन. दे वर समांताज ऑफ द चालुक्याज. ये क्या थे? समांताज थे. ओके, समांताज किसके? चालुक्याज के. एज द चालुक्या किंगडम डिक्लाइंड, दांती दुर्गा द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूट किंगडम. ओके, डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस आफ्टर ओवर थ्रोइंग हिज चालुक्याज ओवर लॉर्ड, है ना, और अपने आप को वो राजा घोषित किया उसे राजघराने को ओवरथ्रो करने के बाद. ठीक है, इन द नॉर्थ द राष्ट्रकूट फॉट अगेंस्ट द पाल्स एंड द गुजर प्रतिहार ओवर कंट्रोल ऑफ कनौज. ओके, कनौज के लिए आप देखेंगे, कनौज के लिए सारा डायनेस्टी, सारा जो किंगडम थे, चाहे ईस्टर्न किंगडम हो, वेस्टर्न किंगडम हो या फिर डेकन किंगडम हो, ऑल वेयर ए स्ट्रगल विथ ईच अदर फॉर कंट्रोलिंग कनौज, फॉर कंट्रोलिंग कनौज. ओके, द राष्ट्रकूट्स इनकरेज द ग्रोथ ऑफ कन्नड़. ओके, द कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा एंड द एलिफेंटा. ओके, माइंड दैट द कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा एंड एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई वर कंस्ट्रक्टेड बाय द राष्ट्रकूट. ओके, तो ये राष्ट्रकूट ने ही उस एलोरा और एलिफेंटा केव्स को निर्मित करवाया था, एंड कैलाशनाथ टेम्पल भी. द कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा एंड एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई वर कंस्ट्रक्टेड बाय द राष्ट्रकूट. ओके, तो सो देयर इज अ नीड टू लर्न दिस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. ओके, एंड द नेक्स्ट इज द ट्रिपिटाइट स्ट्रगल. ये क्या होता है? व्हाट इज ट्रिपिटाइट स्ट्रगल, है ना, ये तीनों का स्ट्रगल, तीनों किंगडम जब आपस में कंटेस्ट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं. ओके, टू कंट्रोल द कनौज, है ना, तो दैट इज नॉन एज, मोर और लेस नॉन एज द ट्रिपिटाइट स्ट्रगल, है ना, ट्रायंगुलर तीनों किंगडम का स्ट्रगल. द फाइट बिटवीन द पाल्स द गुजर प्रतिहार एंड द राष्ट्रकूट. ओके, ऑल थ्री किंगडम्स, कौन कौन? द पाल्स, द गुजर प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट, माइंड दैट ओवर द कंट्रोल ऑफ कनौज. ओके, ओवर द कंट्रोल ऑफ कनौज इज रेफर्ड टू एज द ट्रिपिटाइट स्ट्रगल. ओके, तो दिस इज नॉन एज द ट्रिपिटाइट स्ट्रगल. दिस स्ट्रगल फॉर व्हाट? टू कंट्रोल ओवर कनौज. ओके, टू कंट्रोल ओवर कनौज. ओके, द पाल्स हो, प्रतिहार हो या फिर राष्ट्रकूट हो, पाल्स, गुजर प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट, ये तीनों आपस में संघर्षरत रहे नियंत्रण करने के लिए, किसको? कनौज को. ओके, कनौज वाज एन इंपॉर्टेंट सिटी इन नॉर्थ इंडिया, माइंड दैट. ओके, इन नॉर्थ इंडिया देयर वाज अ इंपॉर्टेंट सिटी दैट वाज कनौज, फॉर दैट द ऑल थ्री किंगडम्स वर स्ट्रगलिंग विथ ईच अदर फॉर कंट्रोलिंग कनौज. Why? Because that was the important city in North India. It was located in the Upper Gangetic Valley. Okay, where Kanauj is located? Upper Gangetic Valley. Harshvardhana time, mind that. Since Harshvardhana time, Kanauj was seen as the symbol of supremacy. Harshvardhan ke samay se hi Kanauj ek supremacy ka symbol bana raha. Like that, and each clan wanted to establish its hold over it. और
सारा राजा रजवाड़ा चाहते थे कि कनौज पे मेरा दावा रहे, ओके, यानी मेरे कंट्रोल में रहे कनौज, लाइक दैट। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रीजनल किंगडम। तो ड्यूरिंग द अर्ली मेडिएवल द पीरियड वाज, माइंड दैट, द 7th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी, यानी 700 से 1200 के बीच, ओके, मध्यकालीन भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, दैट वी आर गोइंग टू सी, ओके, अब हम वे देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रीजनल किंगडम, तो जो रीजनल किंगडम थे, जो क्षेत्रीय साम्राज्य था ना राजाओं का, चाहे ईस्टर्न हो, वेस्टर्न हो, या फिर नॉर्दर्न इंडिया हो या डेकन हो, दिस न्यू किंगडम्स वर मार्क्ड बाय द राइज ऑफ द समानता, है ना, समानता के राइज के रूप में यह देखने को मिलता है। द वॉरियर चीफ्स, समानताज हो, या फिर द वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कंटिनेंट, ओके, सम ऑफ द समानताज और मांडलिकाज बिकेम वेरी पावरफुल एंड फाउंड इंडिपेंडेंट किंगडम फॉर देमसेल्व्स लाइक दांती दुर्गा, ओके, वह खुद को राजा घोषित कर देता है ना, दांती दुर्गा, लाइक दैट। द सोर्सेस ऑफ सच इंफॉर्मेशन आर द प्रशस्तीज, कि कैसे जानेंगे, व्हाट आर द सोर्सेस फॉर द अर्ली मेडिएवल इंडिया, तो वो क्या है, प्रशस्तीज, क्या है, प्रशस्तीज, तो व्हाट इज द सोर्स टू गेट नॉलेज अबाउट दैट पीरियड इन इंडिया, दैट इज प्रशस्ति, दैट इज प्रशस्तीज। द प्रशस्तीज कंटेन्स डिटेल्स ऑफ द लाइफ ऑफ द रूलर्स एंड देयर फोर फादर्स, ओके, उस प्रशस्तीज पे रूलर के और उनके फोर फादर का ना सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी रिवर ऑफ किंग्स, राजतरंगिणी क्या है, रिवर ऑफ किंग्स इज अ हिस्टोरिकल क्रॉनिकल, राजतरंगिणी, यू नो देयर इज अ बुक, फेमस बुक राजतरंगिणी, दैट इज हु रोट दैट, कलहन, राजतरंगिणी रिटन बाय कलहन, रिटन बाय कलहन, ओके। राजतरंगिणी इज अ हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ अर्ली इंडिया रिटन इन संस्कृत, इन विच ऑफ द लैंग्वेज दैट बुक इज रिटन, संस्कृत, ओके, संस्कृत वर्स बाय द काश्मीरी ब्राह्मण, काश्मीरी ब्राह्मण कलहन इन 1148, ओके, 1148, यानी 1148 में एक काश्मीरी ब्राह्मण कलहन थे जिसने एक बुक लिखा, क्या, राजतरंगिणी, जिसमें उसकी समय के किंगडम्स की विस्तार से वर्णन मिलता है। और अब देखेंगे इकोनॉमी, क्या देखेंगे, इकोनॉमी, यानी उसका इकोनॉमी कैसा था, उस समय का इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, ओके। टैक्सेस वेयर द मेन सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर द किंग्स, ओके, टैक्सेस, कर, कर ही उस समय का मुख्य स्रोत था राजाओं का, है ना, दिस रेवेन्यू वाज यूज फॉर मेंटेनिंग द पैलेस, कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स एंड अदर बिल्डिंग्स, ओके, मिलिट्री कैंपेन्स एंड अदर वेलफेयर एक्टिविटीज। अब उस समय आप देखेंगे कि टेम्पल का एक वर्चस्व रहा है ना, एक उस समय मंदिरों का समाज रहा है, ठीक है। टेम्पल्स बिल्ट बाय द मेडिएवल रूलर्स वर सिंबल्स ऑफ देयर पावर, ओके, दैट सिंबलाइज द किंग्स पावर, व्हाट, टू बिल्ड द टेम्पल, टू बिल्ड द टेम्पल, ईच किंग्स वांट्स टू बिल्ड अ टेम्पल, है ना, दैट एट दैट टाइम, सिंबल्स ऑफ देयर पावर, वेल्थ एंड फॉर्चून, नॉट ओनली द पावर बट वेल्थ, पैसा रहेगा तभी ना मंदिर बनाइएगा, कैसे बनाइएगा बताइए, तो इसलिए जो जितना बड़ा राजा था वो उतना ही विशालकाय क्या मंदिर का निर्माण करवाता था।
So the kings often looted and plundered each other's temple in order to establish supremacy and acquire wealth. इसलिए टेम्पल को लूटने की प्रथा थी. उस तरह टेम्पल को हाउ टू कंकर्ड द टेम्पल, दैट वॉज द सिस्टम एट दैट टाइम. लाइक दैट द वेल्थ ऑफ टेम्पल्स एंड टेम्पल टाउन सून बिगैन टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेडर्स सच एज महमूद ऑफ गजनी. महमूद ऑफ गजनी, हैव यू हर्ड द नेम? ऑफकोर्स, जरूर सुना होगा. अब देखिए, हु वाज महमूद ऑफ गजनी? ओके, महमूद ऑफ गजनी कौन था? सुल्तान महमूद वाज द रूलर ऑफ गजनी. रूलर ऑफ गजनी, गजनी का रूलर था जो आज कहां है? अफगानिस्तान में. गजनी इज अ प्लेस नाउ इन अफगानिस्तान. फ्रॉम 1997 to 1030, उसका पीरियड कब है? 997 से 1030. ओके, ही हैड नो इंटरेस्ट इन क्रिएटिंग एन एम्पायर इन इंडिया. उसको रुचि नहीं थी कि हम इंडिया में एम्पायर बनाए ना. जैसे आप बाद में मेडिवल पीरियड में आप देखेंगे या मुगल पीरियड में आप देखेंगे, ये लोग एम्पायर बनाया और यहां रहा, लेकिन ऐसा उसका सोच नहीं था. ओके, हाउएवर ही नीडेड रिसोर्सेज टू डिफेंड हिज ओन किंगडम इन सेंट्रल एशिया. बिटवीन 1000 to 1027 CE, महमूद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 times. माइंड दैट, 17 बार चढ़ाई किया भारत पे. ओके, 17 times टारगेटिंग रिच टाउन्स एंड टेम्पल सच एज, है ना, मंदिरों को वो टारगेट करता था. उसका टारगेट क्या रहता था? मंदिर. ओके, मंदिर जो धन संपदा का उस समय प्रतीक हुआ करता था. लाइक दैट, दैट्स वाई मथुरा, कनौज, थानेश्वर, नागरकोट एंड सोमनाथ. सोमनाथ का तो बहुत चर्चित मंदिर रहा है. तो मथुरा, कनौज, थानेश्वर, नागरकोट एंड सोमनाथ, ये सब आकर्षण का केंद्र थे, है ना, इसलिए वो वहां धावा बोलता था. 17 बार चढ़ाई किया था. ठीक है, महमूद ऑफ गजनी सीज द वेल्थ फ्रॉम द टेम्पल्स, डिस्ट्रॉइंग मेनी ऑफ देम इन द प्रोसेस अलोंग विथ वेल्थ. ही आल्सो कैरीड अवे लर्नेड मेन एंड ए स्किल्ड आर्टिस्ट. वेल्थ ही नहीं ले गया यहां से, बल्कि ए स्किल्ड पर्सन. ओके, एंड ए स्किल्ड आर्टिस्ट, लर्नेड मेन एंड ए स्किल्ड आर्टिस्ट भी यहां से साथ ले गया. कौन? महमूद गजनी. ओके, अलबरूनी एंड फिरदौसी. ओके, बोथ आर द वेरी मच इमिनेंट नेम. ओके, अलबरूनी एंड फिरदौसी वर टू फेमस स्कॉलर ऑफ हिज कोर्ट. ना, उसके कोर्ट के ये अलबरूनी और फिरदौसी बहुत इमिनेंट पर्सनालिटी थे. फिरदौसी रोट द शाहनामा. ओके, शाहनामा इज अ बुक दैट इज रिटन बाय फिरदौसी विच इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पर्सिया. हिस्ट्री ऑफ पर्सिया के बारे में उन्होंने लिखा. इंडिया फेस द नेक्स्ट वेव ऑफ तुर्कीश इन्वेशन 150 इयर्स आफ्टर महमूद ऑफ गजनी डेथ. महमूद गजनी की डेथ के बाद 150 के बाद ना तुर्कीस इन्वेशन होता है. दीज रेड्स वर लेड बाई मुहम्मद गोरी. ओके, मुहम्मद गोरी. उसके बाद आप ये देखेंगे 150 साल के बाद. माइंड दैट. ओके, मोहम्मद गजनी के डेथ के 150 वर्ष बाद कौन आता है? मुहम्मद गोरी. ठीक है, मुहम्मद गोरी. ओके, ये जी जी मोहम्मद ऑफ गौर के नाम से जानते हैं इसे हिस्ट्री में, है ना. ये क्या है? मोहम्मद गोरी वाज द रूलर ऑफ गौर. मोहम्मद गोरी वाज द रूलर ऑफ गौर, अ डिस्ट्रिक्ट इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, है ना. यानी आज के अफगानिस्तान, वर्तमान अफगानिस्तान में गौर क्या है? देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट. ओके, ही इज मोस्टली नोन एज मोहम्मद गोरी और मोहम्मद ऑफ गोर. ही केम टू द थ्रोन इन 1172
3. He wanted to build a large empire in North India and conquered Multan. Okay. He was soon involved in conflicts with the then ruler of Delhi and Ajmer, Prithviraj III or the Prithvi Chauhan. Prithviraj Chauhan ka aap naam सुना होगा. तो उसके बीच और पृथ्वीराज चौहान के बीच दो युद्ध होता है, द बैटल ऑफ तराइन, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन एंड द सेकंड बैटल ऑफ तराइन. फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में उसकी हार होती है, पृथ्वीराज की जीत होती है. बट इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन ड्यू टू द आप देखेंगे ना कि उसमें किसकी हार होती है, पृथ्वीराज की. क्यों? राजा जयचंद के चलते, राजा द किंग जयचंद. ओके. बैटल ऑफ तराइन, द टू बैटल्स वर फॉट एट तराइन बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मुहम्मद गोरी. तो मुहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन में दो युद्ध होता है. ओके. इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन दैट वाज फॉट इन द ईयर 1191, पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मुहम्मद गोरी. है ना, जो 1191 में जो फर्स्ट बैटल होता है उसमें पृथ्वीराज गोरी को हरा देते हैं. ठीक है. इन द सेकेंड बैटल 1192 मुहम्मद गोरी एमर्ज विक्ट्रियस. है ना, उसमें वो विजय हासिल करता है. रीजन फॉर पृथ्वीराज डिफीट, अब देखेंगे व्हाट वाज द रीजन. है ना, व्हाट वाज द रीजन द पृथ्वीराज डिफीट, उनके हारने का क्या कारण था. मेनी हिस्टोरियंस बिलीव दैट पृथ्वीराज फेलियर इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन वाज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ सपोर्ट ऑफ राजा जयचंद ऑफ कनौज. ओके. कनौज के जो राजा थे जयचंद, क्या सपोर्ट नहीं किए ना, दैट्स व्हाई सम ऑफ द हिस्टोरियंस लाइक दैट द सम ऑफ द हिस्टोरियन. तो देयर वाज नो कॉमन प्लान ऑफ द एक्शन और ऑर्गेनाइजेशन, द टूर्स ऑन द अदर हैंड वर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड. ओके. एक तो वो कहते हैं, दूसरे हिस्टोरियंस ये कहते हैं, है ना, सम ऑफ द हिस्टोरियंस कि नहीं, क्या कि देयर वाज नो कॉमन प्लान ऑफ एक्शन और ऑर्गेनाइजेशन, द टूर्स ऑन द अदर हैंड वर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड. है ना, कुछ समय इंडिया में वैसा राजाओं के पास कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, एज लाइक एज द तुर्क. ओके. एंड दे यूज हॉर्सेस, हु द तुर्क्स. ओके. दे यूज हॉर्सेस विच वर टू फास्ट. ओके. हॉर्सेस टू फास्ट एंड क्विक फॉर द इंडियन एलिफेंट्स. ओके. और हमारे यहां हाथी, ना सिंबॉलिक जरूर है लेकिन हाथी और घोड़ा कौन फास्ट है, घोड़ा कौन क्विक है, घोड़ा लाइक दैट. है ना, तो ये भी कारण रहा पृथ्वीराज की हारने का. है ना, तो देयर इज ए कंट्रोवर्सी बिटवीन द हिस्टोरियंस फॉर द डिफीटिंग पृथ्वीराज. मुहम्मद गोरीज विक्ट्री मार्क द बिगनिंग ऑफ तुर्किस रूल इन इंडिया एंड द क्रिएशन ऑफ द स्लेव डायनेस्टी. क्रिएशन ऑफ द स्लेव डायनेस्टी. ओके. गुलाम वंश. इट ऑल्सो मार्क द बिगनिंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत. ऑल्सो मार्क ऑफ द बिगनिंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत. एंड लास्टली द चोला किंगडम. ओके. चोला, हु आर चोला, द चोला रूल फ्रॉम Uraiyur in Tamil Nadu. They were known for their system of local self government. Okay, Chola Tamil Nadu mein ye kingdom tha. Theek hai. That kingdom is known as for its local self government. Okay, the empire was divided into several mandalams. These mandalams were further subdivided into Valanadu and Nadu. No. Valanadu and Nadu, these are the terms, there is a need to learn that. Okay. A group of villages together was a Nadu. No, गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था. और एंड अ नंबर ऑफ नाडू इज टूगेदर वाज अ वलनाडू. ना, और उसके समूह को वलनाडू. ना, नाडू के समूहों को वलनाडू, और गांव के समूह को नाडू. यू नो लाइक दैट. चोला में, चोला का आर्ट एंड टेम्पल्स हम देखेंगे.
The Chola rulers built a large number of temples. The temples built by Raja Raja and Rajendra Chola are excellent example of temple architecture. Temple architecture. The Nataraj sculpture was created during this time. Okay, at that time Nataraj ki murti aapne dekha hai na. To Nataraj sculpture was created during this time and is considered one of the finest specimens of Indian craftsmanship. Okay, like that. The temple were not just places of worship. Okay, during the Chola kingdom, the temples were not just places of worship. So, or kya? They were a hub. They were the hub of the social, economic, and cultural life of the people. Okay, वो सारा social हो, economic हो या cultural life हो, सबका वो hub होता था. क्या? टेम्पल. यानी केवल पूजा करने का स्थल नहीं होता था. जैसे आज हम मंदिर में क्या करने जाते हैं? केवल पूजा करते हैं. लाइक दैट द कर्नाटिक म्यूजिक ओरिजिनली बिगैन इन द साउथ इंडियन टेम्पल्स एज डीड द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ भारत नाट्यम. है ना. Nowadays there are two types of music, the northern Indian music and the southern Indian. Northern Indian, that is the हिंदुस्तानी म्यूजिक, एंड द सदर्न इंडियन म्यूजिक, दैट इज द कर्नाटिक म्यूजिक. यू नो, तो डांसिंग गर्ल्स हु वर नॉन एज देवदासीज. नो, देवदासीज. देवदासीज क्या होता है? संस्कृत वर्ड मीनिंग सर्वेंट ऑफ गॉड और गॉडेस. ना, डेडिकेटेड टू वर्शिप एंड सर्विस ऑफ अ डिटी और अ टेम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ. ना, रेस्ट फॉर हर लाइफ, दैट इज नोन एज द देवदासी. अब चोला इंस्क्रिप्शन देखेंगे. वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द चोलास फ्रॉम देयर इंस्क्रिप्शन. कहा, कैसे? द कॉपर प्लेट्स हेल्ड टूगेदर बाई रॉयल सील. ओके, कॉपर प्लेट्स पे ये देखने को मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दीज कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शन, वी ऑल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स. है ना, मंदिरों के दीवारों पे भी सूचनाएं, इंफॉर्मेशन मिलती है. द इंस्क्रिप्शंस ऑन द बृहदेश्वर टेम्पल. ओके, बृहदेश्वर टेम्पल के दीवारों पे. देशवर टेम्पल टेल अस अबाउट द एरियाज कंकर्ड बाय द राजा राज, हिज टाइटल्स. ओके, तो लाइक दैट द सच एंड सच इंफॉर्मेशन अबाउट द चोलास किंगडम वी कैन गेट फ्रॉम द कॉपर प्लेट और द वॉल ऑफ द टेम्पल्स. दिस इज द सम ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द किंगडम्स ऑफ द अर्ली मेडिएवल, द टाइमिंग द 7th century टू 12th century. ओके, दैट्स ऑल. थैंक यू.